हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लूम सोलर के 180 वाट पैनल की। हमने ये परचेज किया है लूम सोलर की वेबसाइट से और ये 180 वाट का पैनल है। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और उसकी फीचर भी देखेंगे। वैसे आपको बता देते हैं, ये 25 साल की वारंटी के साथ आता है और काफ़ी अच्छी पैकिंग है, वाटरप्रूफ पैकिंग के साथ आता है डैमेज से बचाने के लिए। अभी हम अंदर खोल के देखेंगे कि अंदर कैसे ये पैक हो रखा है। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए हम इसे पैकिंग को खोल रहे हैं, काफ़ी अच्छी वाटरप्रूफ पैकिंग का आता है। इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, कितना वोल्टेज, टेम्परेचर, एम्पियर, वोल्टेज, सब कुछ में लिखा गया है। बाकी हम पैनल के साथ देखें, आप देख सकते हैं ये लूम सोलर का मोनोक्रिस्टलाइन 180 वाट 12 वोल्ट पैनल है। खड़ा कर दो। ये लगभग 5 फुट का पैनल है और इस पे लूम सोलर का लोगो लगा हुआ है जो कि अंदर से प्रिंटेड है। यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है और ये इसका बारकोड स्कैनर है, इसी के थ्रू इसकी वारंटी फिक्स की जाएगी। वहाँ से जब निकलता है तो ये बारकोड स्कैन होके, और ये लूम सोलर का प्रोडक्ट है। पीछे हम देखते हैं इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड है, साथ में इसका कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है। मैक्सिमम पावर 180 वाट आप देख सकते हैं, मैक्सिमम पावर वोल्टेज है 19.95 वोल्ट, मैक्सिमम पावर करंट 9.03 एम्पियर, शॉर्ट सर्किट करंट 9.31 एम्पियर, ओपन सर्किट 23.26 वोल्ट, मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 600 वोल्ट। और ये लूम सोलर प्राइवेट लिमिटेड से बना हुआ है, ठीक है। आगे हम इसका करंट देखेंगे कितना है, कितना वोल्टेज ये दे रहा है। इसमें ये लूम सोलर का लोगो लगा हुआ है, फिक्स करने के लिए होल है। जब आप अपना फ्रेम परचेस करेंगे तो आप इजीली इसे फिक्स कर सकते हैं। साथ में इन्होंने केबल दी हुई है और इसका जंक्शन बॉक्स है। जंक्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं बड़े बड़े डायोड लगे हुए हैं और ये प्रॉपरली फुली क्लोज नहीं था तो ईजिली ओपन हो गया। देख सकते हैं इसके साथ 1 मीटर की पॉजिटिव और नेगेटिव केबल दी गई है। अभी हम इसको लगा देते हैं। हम इसका करंट चेक करने वाले हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ मीटर, ये मेरे पास 20 साल पुराना मीटर है, जब से मैं बचपन से इसी को देखता आ रहा हूँ और मैं अभी भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ। पहले किसी मेरे घर पे किसी ने यूज़ किया होगा। और हम दिखा रहे हैं इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और साथ में हम इधर हेड करते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ये अभी वोल्टेज दे रहा है 16.39,
जबकि मैंने इसे धूप में नहीं रखा है। आप देख सकते हैं 16.39 बिना धूप के, सिर्फ इस पे रोशनी आ रही है लेकिन डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है, फिर भी इसका करंट 16.9 है। और एम्पियर नोट करते हैं अभी। हेलो दोस्तों, अब हम इसे धूप में ला चुके हैं। धूप में लाने के बाद हम इसका एम्पियर और वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वोल्टेज। ओके, अभी स्टार्टिंग है, सुबह की 9:30 बजे है और आप देख पा रहे हैं मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव है और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाने के बाद ये अभी प्रोड्यूस कर रहा है 21.3 वोल्टेज। इसके पहले मैंने चेक किया था तब वो 22 बता रहा था। और करंट चेक कर रहे हैं तो हमने 20 एम्पे सेट कर दिया है। और करंट चेक करने के लिए हम देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव को इसमें लगा के और हम चेक कर रहे हैं, यहाँ हल्की सी स्पार्किंग हो रही है। और ये अभी करंट मॉर्निंग टाइम पे दे रहा है 5 एम्पियर करंट, 5.05। अब हम इससे अपना एक डीसी मोटर जो 12 वोल्ट और 3.5 एम्प का है उसे रन करवाएंगे। स्पीड में दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई मीटर नहीं है, इस पर कुछ लगा नहीं, लेकिन एक मैंने इस पर पॉइंट बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं इस पर। ये मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा करके नेगेटिव में लगाया। और यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा स्पीड है, अगर इसके आगे फैन लगा होता है या कुछ इसी का लगा होता तो मैं बताता आपको स्पीड किस किस तरह से चल रहा है। मुझे इतना ही स्पीड सफिशिएंट है इसके लिए। ओके, थैंक यू, बंद कर दो।